इस दीपावली पर क्या करें कि घर में आए सुख शांति हो, धन का लाभ, बीमारियों आर्थिक तंगी से मिले छुटकारा। क्या करें कि आलस नकारात्मकता से मिल जाए मुक्ति। अगर आप चाहते हैं हर काम में आ रही रुकावटें खत्म हो जाए, परिवार में अनबन तनाव चिंता को करना चाहते हैं खत्म, तो समझिए आज हो रही है इसकी शुरुआत। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना फल आपको नहीं मिल रहा, तो इस दीपावली को कर डालिए ये काम। इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल आइकॉन भी दबाइए। आइए तो बताते हैं ये छोटे छोटे काम जो आपके लिए वरदान साबित होंगे। सबसे पहले, अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा देकर हर काम में बाधा पहुंचाने वाली इन वस्तुओं व कबाड़ को बाहर निकाल दीजिए। बंद पड़ी घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन या तो सही करवा लीजिए या इन्हें बेच दीजिए। इससे धीमे चल रहे या बंद पड़े आपके काम स्पीड से चलने लगेंगे। टूटे हुए दर्पण, फोटो फ्रेम, टूटे हुए कांच अब निकाल दीजिए घर से। परिवार में तनाव, अनबन और मानसिक तनाव इससे बहुत ज्यादा कम होगा। रसोई घर में से टूटे मुड़े हुए बर्तन निकाल दीजिए और नए बर्तन रखिए। कुकर, फ्राई पैन आदि के यदि हैंडल टूटे हैं तो तुरंत सही करवा लें। और साथियों, घर में या छत पर पड़े खाली मटके, टूटी चार पहिया, कुर्सियां, फर्नीचर या तो सही करवाएं या घर से बाहर निकाल दें। घर में खटित मूर्तियां, कटी फटी धार्मिक पुस्तकों का सम्मान जल प्रवाह करें। घर के गेट खोलते समय अगर आवाज करते हैं तो इनके कब्जों में तेल लगाइए, इससे एकाग्रता बनी रहेगी और तनाव कम होगा। गेट खिड़कियों में दीमक लगी है तो समझ लीजिए अंदर ही अंदर आपको नुकसान हो रहा है, इसलिए दीमक को तुरंत हटाइए और इन खिड़की दरवाजों की मरम्मत करवाइए। इस दीपावली पर घर में किसी भी जगह अगर जाले लगे हैं तो तुरंत हटा लीजिए, ये बहुत ही खतरनाक है। घर के ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखें, ये देव स्थान और पूजा का स्थान है, यहाँ किसी तरह का कबाड़ इत्यादि ना रखें। टूटे डिब्बे, फटे चप्पल, जूते, चदरें अब घर से बाहर निकाल दीजिए। पानी में सेंधा नमक डालकर पोछा लगाइए और नेगेटिव ऊर्जा कम होगी और पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलने लगेगी। अगर अच्छी तरह से संभाल कर सके तो घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाएं। तो फ्रेंड्स, बंधुओं, माताओं, बहनों, ये काम तुरंत कर लीजिए। और जल्दी ही इस वीडियो का अगला पार्ट आ रहा है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। शुभ दीपावली, जय श्री राम।